वेलकम बैक इन CWEH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट। मैं हूं राहुल कुमार, जो कि आप लोगों के लिए लाता हूं बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस, स्टडी मटेरियल्स, टिप, ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट। अगर आप न्यू विजिटर हैं या हमेशा हमारे चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें और शामिल हो जाएं हमारे साथ एजुकेशन की इस ऑनलाइन क्रांति में। तो दिस इज़ ए कॉमन वीडियो और इसे किसी भी क्लास के स्टूडेंट देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बताया है कि 5 मिनट में आप किस तरह से टेंस, पूरा टेंस सीख सकते हैं, किस तरह से कोई भी ट्रांसलेशन जो कि टेंस से रिलेटेड है उसको मात्र आप 5 मिनट में बनाने के लिए सीख सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पर शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो मैंने जैसा कि इस वीडियो का नाम रखा है टेंस इन 5 मिनट्स, इसमें हम अपने लेफ्ट हैंड या राइट हैंड के पूरे हथेली का इस्तेमाल करने वाले हैं और ये नियम बहुत ही कूल होने वाला है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी तरह से इसे समझाया है। अगर आपको बेसिक्स आते हैं टेंस के तो आप इस वीडियो को छोड़ के यहाँ से जा भी सकते हैं, या फिर मनोरंजन के लिए भी ये वीडियो देख सकते हैं। और जो बच्चे बिल्कुल कमज़ोर हैं, जिनको टेंस बिल्कुल आता नहीं है, वो इस रूल से पूरा का पूरा टेंस बिल्कुल 5 से 10 मिनट्स के अंदर सीख जाएंगे और पूरा का पूरा रूल आपके हाथ में सिमट जाएगा, यानी आपके हथेली के अंदर, और आप कभी भी इस रूल का इस्तेमाल करके टेंस बना पाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी ट्रांसलेशंस होते हैं वो 3 टेंस के अंतर्गत आते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट, थर्ड फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब हुआ है, यानी कि जो अभी है, जो चल रहा है, द रनिंग टाइम। सेकेंड है पास्ट, जो था, यानी जो बीत चुका है, यानी पास्ट टाइम। इसका नोटेशन याद रखिएगा, प्रेजेंट का नोटेशन हमारा है, पास्ट का नोटेशन था, ये बाद में यहाँ पे कोडिंग के टाइम काम आएगा। प्रेजेंट का नोटेशन है क्योंकि ये अभी है, चल रहा है। पास्ट का नोटेशन था, ये बीत चुका। फ्यूचर का नोटेशन गा, यानी कि जो आएगा, यानी कि आप बिल्कुल इसको रिमाइंड कर लीजिए कि टेंस थ्री टाइप्स के हैं, और प्रेजेंट टेंस को हम लोग है से, पास्ट को था से, और फ्यूचर को गा से सूचित करेंगे, आएगा, जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनमें से प्रत्येक टेंस का, हर टाइप के टेंस का 4 कोटाइप्स होते हैं। इसको हम लोग इस तरह से पढ़ सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट, नहीं तो सिंपल पास्ट, नहीं तो सिंपल फ्यूचर, ये फर्स्ट टाइप हुआ। या फिर हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, प्रेजेंट इनडिफिनिट, पास्ट इनडिफिनिट, फ्यूचर इनडिफिनिट। ओके, तो फर्स्ट नेम हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। उसके बाद दूसरा जो टाइप है उसके 3 नाम है, मैं हम लोग इसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट या फ्यूचर इम्परफेक्ट कह सकते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव या फ्यूचर प्रोग्रेसिव कह सकते हैं, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस कह सकते हैं। खैर, नाम में कुछ नहीं रखा है, रखा है इसके पहचान में और इसके स्ट्रक्चर में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा बस सिंपल सा नाम है, प्रेजेंट परफेक्ट आप बोल ले, पास्ट परफेक्ट बोल ले या फ्यूचर परफेक्ट बोल ले। और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोल लें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि 3 तरह के टेंस का ये 4 कोटाइप है, तो पूरे टेंस की संख्या हो गई 12। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ट्रांसलेशन के लिए हमको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा जो दिया हुआ सेंटेंस है वो किस टेंस में है। तो सबसे पहले हम पहचान सीखेंगे, और पहचान सीखने के लिए हमारे पास होनी चाहिए एक हाथ और उसमें हथेली। अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल यहाँ से देख सकते हैं। चलिए तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले आप अपने हाथ को जब फैलाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हाथ के प्रत्येक उंगली में 3 ब्लॉक्स हैं। तो हमें यहाँ पे थंब से काम नहीं है, थंब का इस्तेमाल मैं पैसिव वॉइस में करूँगा, पैसिव वॉइस भी आपको बताऊँगा अपने हाथ से बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो उंगलियाँ हैं उसमें से प्रत्येक उंगली में 3 ब्लॉक्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रत्येक उंगली में 3 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, यहाँ देख देखिए तो कितने टेंस हैं, तो 3 तरह के टेंस हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और उंगलियां कितनी हैं, 4। तो 4 उंगलियां 4 कोटाइप्स के लिए और 3 ब्लॉक्स 3 टेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सिंपल वाला होता है, यानी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फास्ट, पास्ट और सिंपल फ्यूचर, ये तीनों ही बस नाम सिंपल है, इन्हीं तीनों में मेन प्रॉब्लम है। बाकी आगे के सारे टेंसेस, उसके पहचान और उसके रूल्स कॉमन होते हैं, लेकिन ये जो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर हैं, इसी के सेंटेंस थोड़े अलग, रूल्स और पहचान थोड़े अलग होते हैं, बाकी सबका देखिए बिल्कुल एक तरह का जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। 3 में आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में थोड़ा सा
पेशेंस रखिएगा, इसी का रूल थोड़ा बड़ा है, बाकी के 9 रूल जो है 9 टेंस हैं वो बहुत ही छोटे होने वाले हैं। तो आप अपनी उंगलियां फैला लीजिए और अंगूठे के सबसे बगल वाली उंगली यानी कि इसमें आपको ऊपर वाली सारी सारे ब्लॉक्स में आपको प्रेजेंट रखना है। देखिए मैंने हूँ हाँ ताहूँ सब डाला है यानी प्रेजेंट, सेकेंड वाले में आपको पास्ट डालना है और नीचे वाले में आपको फ्यूचर डालना है। ठीक है, तो मैं आपको पहचान बता देता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर की पहचान क्या है। तो अंगूठे के बगल वाली उंगली में सबसे ऊपर ताहूँ तीहूँ यानी कि कहीं भी आपको ताहूँ तीहूँ तीहूँ दिख जाए तो आप देख लीजिए कि अच्छा ये तो अंगूठे के बगल के सबसे ऊपर वाली उंगली है तो ये किसका है, तो सिंपल प्रेजेंट का है। अगर आपको या ये ई वगैरह वगैरह दिख जाए लास्ट, जैसे मान के चलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं पटना गया तुम कल आए या ये इस तरह का रहे तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट बोलेंगे। और अगर गागेगी लगा हुआ जैसे मैं कल पटना जाऊंगा या तुम कल पिज्जा खाओगे, इस तरह का कोई भी सेंटेंस में गागेगी लगा हुआ है सिंपली, उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अंगूठे के सबसे बगल वाली, यही बस एक हार्ड है, बाकी सारा नौ टेंस एकदम ईजिली निकल जाएगा। तो इसको समझ लीजिए, ताहूँ तीहूँ तेहें, ये जो है जो हमारा यहाँ पे है इसको आप एक बार रिमेंबर कर लीजिएगा, ये उंगली ताहूँ तीहूँ तेहें, ये उंगली या ये ई, ये उंगली गा गे गी, बाकी सारा आसान होने वाला है। तो मैं आपसे फिर से पूछता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट के लिए या सिंपल फ्यूचर के लिए क्या है, तो आप बस कुछ नहीं करना है आपको, अपनी उंगली निकालनी है, ये ताहूँ तीहूँ, ये या ये ई और ये गा गे गी। ठीक है, तो जब इन तीनों में से कोई भी आपको सेंटेंस में दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो किस टेंस का है, क्योंकि ये समझने के बाद ही आप रूल इस्तेमाल कर पाएंगे। कंटिन्यूअस में आसान है, कंटिन्यूअस में रहा सारे टेंसेस में रहा रहेगा। अब रहा के बाद मैं आपको इधर बता चुका था कि यहाँ इसका कोडिंग है प्रेजेंट था पास्ट और फ्यूचर गा, अब सब में रहा रहेगा। ठीक है, रहा इसमें अगर रहा के साथ हूँ है तो आप समझ जाइए प्रेजेंट है, रहा के साथ था है तो समझ जाइए पास्ट कंटिन्यूअस है, और रहा के साथ गा है तो समझ जाइए कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। ठीक है, यानी कि हाथ निकालने के बाद फर्स्ट उंगली ताहूँ तीहूँ या ये ई गा गे गी, ये हो गया हमारा प्रेजेंट, ये हो गया हमारा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सिंपल में, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल फ्यूचर। दूसरी जो हमारी उंगली है ये बीच वाली, ये उंगली हमारी है रहा, तो रहा क्या, तो रहा के साथ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा के साथ था पास्ट कंटिन्यूअस, रहा के साथ गा रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे आइए, इसके ऊपर में है चुका, जैसा कि मैंने बताया है ये है परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर का परफेक्ट। अब चुका, चुका सबके साथ, चुका है प्रेजेंट, चुका था पास्ट, चुकेगा फ्यूचर, चुका है प्रेजेंट, चुका था पास्ट, चुकेगा फ्यूचर, इसमें रहा इसमें चुका। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, बस आप ऐसे उंगली फैला लें और बस है वाला प्रेजेंट, था वाला पास्ट और गा वाला फ्यूचर, है वाला प्रेजेंट, था वाला पास्ट और गा वाला फ्यूचर, इसमें रहा है इसमें चुका है और इसमें ता रहा रहेगा, जैसे ता रहा हूँ, ता रहा हूँ, ये हो गया प्रेजेंट, ती रही, ता रहा था पास्ट और ता रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यानी कि आपको पहचान मैं अपनी उंगली पे बताता हूँ एक बार फिर से, पहचान के लिए मैंने आपको बताया कि ये डिफ़िकल्ट है, बाकी ये तीन का लेवल बहुत ही ज़्यादा आसान है। पहला जो है हमारी पहचान के लिए वो है रहा हूँ रही हूँ, पहला जो हमारा पहचान के लिए वो यहाँ पे हम लोग आते हैं ताहूँ तीहूँ ते हैं, उसके बाद नीचे या ये ई गा गे गी, इसको आपको सिर्फ याद रखना है, तीनों अलग रूल में है, बस यहाँ आइए तो अच्छा इस उंगली में रहा, रहा के साथ है रहा है, रहा के साथ था, रहा के साथ गा रहेगा, ये तीनों टेंस आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब चुका, चुका के साथ है प्रेजेंट परफेक्ट, चुका के साथ था पास्ट परफेक्ट, चुका के साथ ग चुकेगा फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि ये फ्यूचर परफेक्ट का है। अब इधर आइए पहचान में आते हैं, यहाँ पे हमारा हो गया ता रहेगा, सॉरी ता रहा है प्रेजेंट, ता रहा था पास्ट, ता रहेगा फ्यूचर। ठीक है, तो ये चार उंगलियाँ आपको पूरा टेंस याद करवा देती है, आप चाहें तो अपनी उंगलियों पर अभी फिलहाल लिख के भी, जो अच्छे क्वालिटी के इंक आते हैं इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है, उससे आप अपनी उंगलियों पर लिख के भी और यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर 2 से 3 बार आपने ये प्रैक्टिस किया तो आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा कि टेंस को कैसे पहचानें।
अब हम लोग बात करेंगे रूल की, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैंने बोला था विद इन 10 मिनट्स इसको बंद करूँगा, तो इसके रूल्स के लिए मैं आज इवनिंग में ही वीडियो अपलोड करूँगा और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा वॉइस इन 5 मिनट्स। तो उस वीडियो के लिए इवनिंग तक वेट करें और इसको आप उससे पहले 4-5 बार प्रैक्टिस कर लें। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इवनिंग में आपका टेंस पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।